जंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना नमो न्यूज चैनल। मैं गोपाल पारिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के उजरा क्षेत्र के किसान इन दोनों जंगली जानवरों से खासा परेशान है। यहाँ जंगली जानवरों के फसल नुकसान के कारण किसान खासा परेशान है। परेशान किसानों ने आज अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सुल्तानपुर वन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और वन विभाग संरक्षक को ज्ञापन सौंपे और कहा कि उन्हें नष्ट हुई फसल का मुआवजा चाहिए। जानवरों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जंगली जानवरों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कोटा जिले के सिगोर तहसील क्षेत्र के किसान इन दिनों जंगली व वन्य जीव जिनों के कारण खासा परेशान है। वन्य जीवों द्वारा फसल नष्ट करने से किसान अन्नदाता बर्बाद हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति से कमजोर होते जा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव किया और अपने नष्ट की हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र वन संरक्षक को सौंपे। इस मौके पर किसान नेता चतुर्भुज पहाड़िया समेत कई ने बताया कि प्रत्येक किसान को उनके नष्ट की गई जंगली जानवरों द्वारा फसल के मुआवजे का पाने का अधिकार है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब प्रदर्शन किया जाएगा और मुआवजा लेकर ही रहेंगे। जो किसानों की मुख्य मांग है कि वह किसान जंगली जानवरों से इतना पीड़ित हो चुका कि उसकी जिंदगी एक नरक की जिंदगी जी रहा है। पूरा परिवार उसका जंगली जानवरों की रखवाली करने के लिए रात भर खेतों में पड़ा रहता है, फिर भी जंगली जानवर मानते नहीं है और फसलों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हम लगातार 2 महीने से ये फार्म जमा करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप सक्षम अधिकारी द्वारा इसका सर्वे कराएं और जो नुकसान हुआ है जंगली जानवरों तक उसका भुगतान करें, लेकिन सरकार द्वारा उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, नहीं कोई उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा। इसलिए आज हमने हमारा जो लंबा जो संपर्क है, ये किसानों का आंदोलन है, जंगली जानवरों को रोको, खेती को बचाओ, खेती बचेगी किसान बचेगा तो देश बचेगा, यही हमारा नारा है, यही हमारी प्रमुख मांग है। तो आज हम लोग ये मुआवजे का फॉर्म जमा करा कर यहाँ से हम आखिरी हमारा आज ये कार्यक्रम है। इसके बाद में अगला चरण हमारा क्या होगा ये हम हमारी किसान सभा बैठ कर तय करेगी और इस आंदोलन को हम और चरम सीमा पे ले जाएंगे और इस आंदोलन को जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जंगली जानवरों को यहाँ से पूरी तरह से एक एक करके मुलाज से या तो इसको डालें मुकंदरा जो टाइगर जो बहुत बड़ा वहाँ पर डालें, यहाँ पर जहाँ पर सेंचुरी वहाँ डालें, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार ये जंगली जानवरों को तो सूना छोड़ रखा और किसान के हाथ बांध रखे, उसको रोक रखा। अगर तुम जानवरों के साथ में मारोगे, पीटोगे, काटोगे तो आप सीधे जेल में जाओगे। ये दोहरी चाल सरकार की। हम ये कहते हैं कि इन जानवरों को रोको और किसान की खेती को बचाओ। Jungle.